द नेशन और सुनो कि अर्णव गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हो गई। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि जो चैट्स लीक हुई हैं वो रियल हैं या फेक हैं। ये वीडियो इस बारे में है कि यार व्हाट्सएप की चैट लीक कैसे होती हैं। आप सभी को तो पता होगा कि व्हाट्सएप में हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी कि चैट को सिर्फ दो लोगों के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं पढ़ सकता। फिर ये चैट कैसे लीक हो जाती हैं? बिकॉज आए दिनों हमें कभी ना कभी ये सुनने को मिलता रहता है कि यार किसी सेलिब्रिटी की कोई व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। जैसे कि कुछ महीनों पहले हमें पता चला था कि दीपिका पादुकोण की भी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। सो ये होता कैसे है एंड क्या आपकी भी व्हाट्सएप चैट लीक करी जा सकती है? एंड व्हाट्सएप के इस परफेक्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले सिस्टम में भी कहां पे लूप होले, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम शिवम पटले एंड यू आर वाचिंग टेक बिलीवर्स। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है या सपोज आपके फ्यूचर में होने वाली व्हाट्सएप चैट को लीक होने से बचाता है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना, लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, इट्स फ्री। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। बट अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो आप लोगों के लिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। सो जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या व्हाट्सएप की जैसे कोई और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब मैसेज भेज रहे हैं और सामने वाले पर्सन को जो मैसेज जा रहा है तो वो कोडेड होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है, उसे बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता, ना गवर्नमेंट पढ़ सकती, ना ही कोई अदर कंपनीज पढ़ सकती। सो आप लोगों की जो चैट है वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और आपने जिस पर्सन को मैसेज भेजा है सिर्फ वो पढ़ सकता है। सो ऐसे में हमारी व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हो सकती है? सो ऐसे में हमारी व्हाट्सएप चैट लीक होने का सबसे सिंपल एक तरीका है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद वो मैसेज आपके पास तो होगा, साथ ही वो मैसेज सामने वाले पर्सन के पास भी होगा। अगर आप कोई वो मैसेज सामने वाले पर्सन की चैट से उठा लेता है, सो ये सबसे एक इजी तरीका होता है जिससे कि आप किसी भी इंसान की व्हाट्सएप चैट लीक कर सकते हैं। बट दोस्तों अर्णव गोस्वामी के केस में ऐसा तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जिन जिन लोगों से चैट करी है उनमें बहुत सारे लोगों का नाम है। सो उन सभी लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट से चैट तो उठाई नहीं गई होंगी, क्योंकि किसे पता कि यार किस किस का नाम निकलेगा। सो अर्णव गोस्वामी के केस में यार रीजन तो हो नहीं सकता। सो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन में एक सबसे बड़ा लूप होल है, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वहां पर आपको चैट बैकअप का ऑप्शन आता है। सो चैट बैकअप में हम कर देते हैं या तो नेवर या वन वीक या वन मंथ या जब आप करना चाहें, तो इस तरीके के वहां पे ऑप्शन होते हैं। अब यहीं पे हो जाती है दोस्तों गलती। सो जैसे आप ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वहां पर आपको व्हाट्सएप में साफ साफ दिखा मिल जाएगा, सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहां पर खत्म हो जाता है जब आप अपनी चैट का बैकअप लेते हैं, चाहे फिर आप उसे गूगल ड्राइव में लें या फिर उसे एप्पल की ड्राइव में लें, चैट बैकअप करने पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाता है। बट इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि चैट अभी भी लीक कैसे हुई है। अब आइए समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सो मान लेते हैं जैसे ही आपने अपनी चैट का बैकअप लिया, बैकअप हो सकता है कि आपका अब कितने ही सालों का हो जो कि कंटिन्यूसली चलते आ रहा हो और आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर्ड है। अब गूगल ड्राइव में आप देख सकते हैं कि बैकअप वाले फोल्डर में आपको दिख जाएगा कि व्हाट्सएप का आपका बैकअप बना हुआ है। अब अपनी गूगल ड्राइव में भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपके व्हाट्सएप का बैकअप वहां बना है या नहीं बना है, अगर आपने कभी भी बैकअप वाला ऑप्शन पे क्लिक किया होगा तो। सो अब कोई भी हैकर अगर आपके जीमेल अकाउंट को हैक कर लेता है और वहां से आपकी व्हाट्सएप की चैट को उठा लेता है, सो उसे वो डिक्रिप्ट कर सकता है। डिक्रिप्ट क्या करना, वो तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही नहीं है। सो दोस्तों अब जब आपकी चैट गूगल ड्राइव में स्टोर हो गई है एंड गूगल अकाउंट को हैक करना इतनी बड़ी तो कोई बात है नहीं, सो हैकर्स गूगल अकाउंट को हैक करके आपके व्हाट्सएप के चैट के बैकअप को यूज कर सकते हैं आपकी चैट को रिस्टोर करने के लिए। चाहे आपने जो मैसेजेस डिलीट कर दिए हों वो भी चैट में स्टोर्ड होते हैं एंड वो भी मैसेजेस वो पढ़ सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा लूप होल है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी तभी तक काम करता है जब तक आप अपनी चैट का बैकअप ना ले रहे हो। अगर आपने अपनी चैट का बैकअप लिया सो वहां से एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म एंड आपकी चैट कभी भी लीक हो सकती है। सो अगर कोई हैकर चाहेगा सो आपके गूगल अकाउंट को या आपके एप्पल अकाउंट को हैक करके वहां से आपकी व्हाट्सएप चैट का बैकअप उठा सकता है। और आई थिंक यही हुआ है अर्णव गोस्वामी के केस में एंड मोस्टली दीपिका पादुकोण के केस में भी यही हुआ था। सो अगर आप लोग भी अपनी चैट का बैकअप अपने गूगल अकाउंट या अपने एप्पल अकाउंट में ले रहे हो तो थोड़े सतर्क हो जाइए, सो कभी को आपकी भी चैट लीक हो सकती है। सो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे कि यार एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद भी व्हाट्सएप की चैट कैसे लीक हो जाती है। ईमेल वगैरह या दूसरे मैसेजिंग ऐप को तो यूज करना ही नहीं चाहिए अगर आप कोई सीक्रेट प्राइवेट बात करना चाह रहे हो, क्योंकि वहां तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ही नहीं, वहां तो गूगल फेसबुक सब आपकी बातें आसानी से पढ़ रहे हैं।
सो इफ नेशन वॉन्ट्स टू नो कि यार व्हाट्सएप में सीक्रेटली चैट कैसे करें या किसी अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में सीक्रेटली चैट कैसे करें ताकि कभी आपकी चैट लीक ना हो, अगर आपका ये डाउट है और आप ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे वीडियो में जल्दी, आपकी काम की वीडियोस में बनाते रहता हूं। आई होप इस वीडियो से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूं आपसे वीडियो में जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी चैट लीक होने ना दें। बाय बाय।